वेलकम बैक गाइस टू शेलर एकेडमी। आज हम लोग इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 6 कंटिन्यू करेंगे और हम लोग दो टाइप कवर करेंगे, 5 और 6। अगर आपने लेक्चर नंबर 5 नहीं देखा है तो प्लीज लेक्चर नंबर 6 मत देखिए। लेक्चर 5 जैसा ही डिक्टो है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जाने वाला हूँ, तो पहले लेक्चर 5 देखिए फिर 6 देखना। फाइन, तो आज का टाइप नंबर एग्जैक्टली 4 जैसा ही है, टाइप 5 लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, डिक्टो सेम टाइप 4। क्या करना है, पहले क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव निकालिए, देन एडजस्ट दैट इनटू लीनियर एंड देन सेपरेट करके बस पहले इंटीग्रेशन में स्टेप 4 बदली और कुछ नहीं बदला। स्टेप 4 में इस बार f डैश अपॉन रूट f का फॉर्मूला 2√f है और सेकंड इंटीग्रेशन 1√quadratic, डिक्टो सब कुछ सेम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला सम देखते हैं, यह है 3x-5 अपॉन √x2-3x+4 का इंटीग्रेशन हम लोगों को करना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या कहती है, वो बोलती है डेरिवेटिव निकालोगे क्वाड्रेटिक का, सिर्फ क्वाड्रेटिक का, रूट का वगैरह नहीं। तो ये आएगा दिस, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x-3। अब ये 2x-3 मुझे यहाँ एडजस्ट करना है, तो पहली बात तो मैं इंटीग्रेशन में 2 चाहता हूँ, 3 नहीं। और कुछ भी हो जाए 3x को 2x+x नहीं लिखेंगे, नहीं तो वो x अपॉन ये वापस एक तकलीफ दे देगा। तो सबसे पहले मैं 3 कॉमन निकालूंगा और ये बनेगा डिनोमिनेटर एज इट इज, क्या आएगा वो x2-3x+4dx और यहाँ पे क्या बनेगा x-5/3। ये मैंने 3 कॉमन निकाला। व्हाट्स द सेकंड स्टेप, क्या चाहिए मुझे 2x, तो मैं अपॉन 2 इंटू 2 और इंटू 2 करूंगा। और क्या चाहिए मुझे, -3 चाहिए, तो -3 के लिए मैं क्या कर रहा हूं, तो -3 के लिए हम लोग -3+3 करेंगे, सेम लास्ट टाइम की तरह। इसलिए मैं ये आखिरी एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूं इस टाइप का। तो ये आएगा 2x-3 अपॉन √x2-3x+4dx। ओके, ये देखते हैं कितना होगा, -10/3+3, तो ये आएगा -1/3, शायद प्लीज वेरीफाई कर लीजिए अगर मैंने रॉन्ग लिखा है, तो अपॉन x2-3x+4dx। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे, तो 3/2 इंटीग्रेशन 2x-3 अपॉन √x2-3x+4dx माइनस ये 1/3 और ये 3/2, सिंप्लीफाई हो गए 1/2 इंटीग्रेशन, मल्टीप्लाई होंगे ये √x2-3x+4dx। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये देखेंगे x2-3x+4 का डेरिवेटिव 2x-3 है, उसी के लिए तो इतना किया, तो f'√f का फॉर्मूला आएगा 2√fx प्लस c1 अगर आप चाहते हैं तो, माइनस हाफ टाइम्स, ये तो हमारा रेगुलर है, तो 1/√quadratic का कंसेप्ट है। आपको इसकी लास्ट टर्म ढूंढनी है जो शायद बनेगी 9/4, हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो भी इसका आंसर आएगा वो आपको शायद ही आएगा, x माइनस शायद 3/2 का स्क्वायर बनेगा 9/4, और -9/4 करेंगे तो 16-9 7, मतलब √7/2 का परफेक्ट स्क्वायर प्लस बनेगा 16 माइनस, यस जी हाँ। और फिर लास्ट स्टेप में हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आएगा 3 times √x2-3x+4। प्लीज ये नोट कीजिए कि आपको ये ना प्रॉपरली एग्जाम में अलग से सॉल्व करना है, I2 बोल के, I2 नीचे लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। यू कैन कॉल दिस एज इक्वेशन 1, दिस एज इक्वेशन 2 एंड यू कैन सब्स्टिट्यूट I2 इन I1, इन I, आई एम सो सॉरी, ये हमारा ओरिजिनल I होता है। ओके, तो ये प्लस c1 माइनस हाफ टाइम्स क्या है, इंटीग्रेशन 1/√x2+a² का फॉर्मूला, log mod x प्लस दिस मतलब दिस सेम होता है राइट, तो ये आएगा आई शुड राइट x2-3x+4 प्लस c2। यहाँ पे एक और चीज नोटिस कर सकते हो आप कि बेसिकली हम लोगों ने ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जैसे लगा है तो पेनल्टी जो है वो कुछ नहीं है, पेनल्टी 1 है, तो इसलिए हम नहीं लिखते। हर बार ये फॉर्मूला लगाने के बाद आपको देखना है कि पेनल्टी लग रही है कि नहीं, यहाँ पे पेनल्टी नहीं लगेगी। यहाँ पे आप ये मत बोलो कि x के साथ 3 वगैरह, ये नॉर्मल फॉर्मूला लगा है f'/f वाला, ये प्रॉपर्टी में नहीं बैठता, ये प्रॉपर्टी में बैठेगा पेनल्टी 1 की, बैठी और लिखी नहीं मैंने, यू कैन राइट लाइक दिस, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप 6 लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, सेम हमारा टाइप 4 और 5 जैसे ही चलता है, px+q√quadratic। क्या करना है, क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव निकालना है, इसमें एडजस्ट करना है, सेपरेट करना है,
इस बार अगेन स्टेप फोर अलग है। I1 में इंस्टेड ऑफ फॉर्मूला मैं क्या करूंगा, क्वाड्रेटिक को टी बोलूंगा। आपको याद है मैंने प्रॉपर्टी में सेकंड प्रॉपर्टी सिखाई थी, किसी को भी टी बोल के मैं चीजें मैनेज कर सकता हूं अगर उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, और वही डेरिवेटिव हम लाते हैं वहां पे बड़ी मुश्किल से। लास्ट I2 में रूट क्वाड्रेटिक, मतलब हमारा टाइप थ्री करना है हम लोग को। जैसे जैसे मैं टाइप आगे बढ़ाऊंगा आपको उनके नंबर याद रखने हैं, तो रूट क्वाड्रेटिक मतलब टाइप थ्री था तो वो आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। यहां तक मैं करूंगा टाइप फाइव, स्टेप फाइव आप कंप्लीट करेंगे, तो सेम प्रोसीजर। चलिए वही स्टार्ट करते हैं। तो पहले मुझे डेरिवेटिव ढूंढना है इसका, मैं डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं। अभी क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, वो आएगा 2x-4 है ना, तो हमें 2x-4 यहां पे मैनेज करना है। तो कैसे करेंगे, पहले 4 कॉमन निकाल के 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहां पे ऑलरेडी 4 है तो मैं सिर्फ 2 ही कॉमन निकालता हूं। तो 2 कॉमन निकालने के बाद क्या जाएगा, तो भाई यहां पे जाएगा 2x-3/2 बराबर है, अब इंटू रूट ऑफ x²-4x+29 dx। ओके अब देखते हैं हम लोग क्या चाहिए आगे, तो 2x-4 चाहिए, तो 2x पहली बात ना, हाँ जी 2x तो आ गया, तो मैं -4 + 4 करूंगा, तो ये नेक्स्ट स्टेप में जाएगा 2 × ∫ दिस इंटू रूट, मतलब कितना आएगा 2x-4 × √x²-4x+29 प्लस, चलिए मैं और एक स्टेप लिखता हूं, और ये कितना आएगा, तो 4-3/2 मतलब 8, तो ये आएगा 5/2 टाइम्स √x²-4x+29 dx राइट। नेक्स्ट स्टेप हम लोग स्प्लिट करेंगे अलग अलग इंटीग्रेशन, तो 2 × ∫ 2x-4 √x²-4x+29 dx प्लस दिस इंटू दिस इज 5 × √x²-4x+29 dx। मैं ये सम पर्टिकुलरली आपके लिए छोड़ रहा हूं, यू हैव टू सॉल्व, क्योंकि आपको पता है ये कैसे सॉल्व करता है, रूट क्वाड्रेटिक है। चलिए अब सिर्फ इस इंटीग्रेशन के बारे में देखते हैं, ठीक है, मैं यहां पे ये रास्ता इसका बंद कर देता हूं, चलिए इसका रास्ता बंद हो गया। ओके अब ये टर्म देखते हैं, इसमें कैसे ना, मैंने बड़ी मेहनत से इसका डेरिवेटिव यहां पे लाया है, तो गेम ऐसा है कि मैं बोलूंगा लेट x²-4x+29 को बोलूंगा t, तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x-4 × dx विल बी dt, एक्चुअली dt/dx होता है, तो ये सीधा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 2x-4 × dx बन गया dt, और इसको तो t बोला था, मतलब √t या t^2, तो t^2 का इंटीग्रेशन t^3/2/3/2 प्लस c, अब ये 3/2 ऊपर जाएगा तो आएगा 4/3 × t, टी कौन है आपका, टी है x²-4x+29 √3/2 प्लस c1, ये हो गया आपका आंसर। और अगर ये सॉल्व करना ही है तो हम लोग ये आगे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आएगा, तो ये आएगा 5 × √ जो भाई आएगा x-2² + 5² वेरीफाई कर लीजिए, तो ये x² + a² का फॉर्मूला है, तो ये आएगा 5 × x/2 √ सेम थिंग मतलब x²-4x+29 प्लस a² / 2 log(x-2) + √ सेम थिंग, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो वैसे आपका होमवर्क था, तो ये आपको करना है, आपको ये टाइप समझना था, ये हो गया। चलिए लास्ट सम देखते हैं सेम टाइप का, सो दैट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टाइप नंबर 7 पे चले जाए। ओके सेम कंसेप्ट है, हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2-2x, अब कुछ भी करके 2-2x मुझे यहां पे अरेंज करना है। वापस एक बार कैसे करना है देखिए, तो जैसे मैंने बताया आपको x के साथ -2 चाहिए, 3 नहीं, तो पहले 3 बार उठाएंगे, तो क्या होगा, 3 बार उठाओगे तो x-2/3 ये बाहर आ गया √3+2x-x²dx। मैंने बहुत सम से सॉल्व किए, मैनेज करने वाले, अभी तुम्हें जमना ही चाहिए। अब क्या चाहिए मुझे x के साथ, -2, तो मैं -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, सिर्फ इनका, इनको भी मत करना, ये ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन में है। और फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए, मतलब +2 - 2, तो आगे देखते हैं, तो भाई ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा -3/2 × √3+2x-x²dx
डीएक्स से कर दिया, मतलब मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा। और अब ये नंबर हम सॉल्व करते हैं, तो ये नंबर कितना बनेगा देखते हैं। ये है माइनस टू इन टू सॉरी प्लस 4/3, तो 4/3 मतलब -6/3, सॉरी ये -6 + 4 -2/3 इनटू -2/, अरे ये परफेक्ट वन बन गया। प्लीज वेरीफाई कर लीजिए, आपको पेपर पे लिखोगे तो आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट स्टेप अब इसकी बात करें, चलो मैं अभी ना काम करता हूं, जैसे हम एग्जाम में सॉल्व करते हैं वैसे करते हैं, ठीक है। यहां पे हो गया, अब हम क्या करेंगे ना, आप इसको कॉल इट इक्वेशन वन, ठीक है। अब हम लोग ऐसे करते हैं, राइट, एग्जाम में आपको कैसे लिखना है बताता हूं। लेट आई वन, ये कौन है, ये आई, आई इज इक्वल टू, तो आई वन कौन है, -3/2 इंटीग्रेशन -2x + 2 इंटू रूट ऑफ 3 + 2x - x² dx, ठीक है। हम इसमें बोलेंगे लेट 3 + 2x - x² को टी, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2 - 2x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, नहीं वो तो डी एक्स को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा -3/2 इंटीग्रेशन डी ए इंटू डी एक्स डी टी बन गया, और ये आएगा t^2। टी रेस टू हाफ का मतलब -3/2 टी रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी वन, आई वन के लिए सी वन। तो फाइनली ये 3/2 भी गया, माइनस कितना आएगा 3 + 2x - x² raised to 3/2 प्लस सी वन, कॉल इट इक्वेशन टू। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आई टू सॉल्व करेंगे, तो लेट आई टू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ऑफ 3 + 2x - x² dx। अब ये तो टाइप आपको बहुत अच्छे से पता है, तो मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूं। इसके लास्ट टर्म आएगी -1 + 1, तो ये आएगा 4 - x - 1² dx, जिसका आंसर रूट ऑफ a² - x² का फॉर्मूला x बाय टू रूट ऑफ दिस प्लस a² / 2 साइन इनवर्स x - 1/2 प्लस c2, यू कैन कॉल इट इक्वेशन 3। एंड देन लास्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, और मेरे पास जो वी गेट हमारे मेरे पास जगह नहीं है, आप समझ जाओ ये आंसर और ये आंसर आपको ऐड करना है और इधर लिखना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आगे देखेंगे।